हेलो नमस्कार दगड़ियों, वेलकम बैक टू मनी व्लॉग 12 यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों में। आज है सोमवार और सुबह के बजे हुए हैं 9:30, तो हम जा रहे हैं ढोंट्याल और राशन आ रखी है तो मैं राशन लेने के लिए जा रहा हूँ। तो भाई की तबीयत खराब हो रखी है, भाई जा रहे हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, जुकाम बुखार आ रखा है। तो चलिए दोस्तों व्लॉग में बढ़ते हैं आगे और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज ढोंट्याल महादेव मंदिर में भी थोड़ी बहुत भीड़ लगी होगी क्योंकि आज महादेव शिवजी भगवान जी का उपवास ले रखा होगा महिलाओं ने। तो चलिए मैं आपको वहां का भी व्यू दिखाता हूं, तो आप व्लॉग में बने रहिए। तो भाई लोगों, आप पीछे देख रहे होंगे, ये हमारे चाचा जी है और चाचा जी है बहुत बड़े स्टंटबाज। तो अभी चाचा जी आपको स्टंट दिखाएंगे। मन बचपन में था सोच लिया, मन ज्वाइन करनी आर्मी, ज्वाइन करनी आर्मी, मेरा खून उबाले मार था, मन ज्वाइन करनी आर्मी, ज्वाइन करनी आर्मी, फोन फान के चक्कर छोटे, फोन फान के चक्कर छोटे, फिजिकल पे ध्यान दिया, मने गुरु भगत सिंह माने थे और बाकी सबने जान दिया, मने गुरु भगत सिंह माने थे और बाकी सबने जान दिया, बाकी सबने। म्यूजिक टोनी दिन और रात एक करा, 4 लाख भरती के। तो भाई लोगों, मैं पहुंच चुका हूं ढोंट्याल महादेव मंदिर में। आप देख रहे होंगे ये हमारे ढोंट्याल महादेव मंदिर है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे साथ में दोस्त भी आ रखे हैं और हम आ रखे हैं ढोंट्याल महादेव मंदिर में, और यहां पे महिलाएं आ रखी है जिन्होंने उपवास ले रखा है। आज पहला सोमवार है और ये हमारे ढोंट्याल महादेव मंदिर है और बहुत ही जाना माना मंदिर है फ्रेंड्स। हमारे गांव का जो मेन प्रसिद्ध मंदिर है वो ढोंट्याल महादेव मंदिर है। आप देख रहे होंगे कितने सुंदर ढंग से बना रखा है और बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे होंगे कुछ महिलाएं अंदर मंदिर में जा भी रखी हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं घर राशन लेके, और राशन लेते लेते बहुत ही टाइम लग गया था और दोस्त लोग भी मिल गए थे तो टाइम का पता नहीं चला। और अब जा रहा हूं मैं नीचे घूमने के लिए, दोस्तों का फोन आ रखा था कि नीचे घूमने के लिए आ जाओ। तो चलिए दोस्तों व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। तो भाई लोगों, मैं नीचे घूमते घूमते यहाँ पे खड़ा हो रखा हूँ दादाजी के पास, और दादाजी ला रखे हैं जंगल से, ये देख रहे होंगे आप, ये जो पौधा है ये जड़ी बूटी का भी काम करता है और घर में लगाने से इसमें ना फूल भी आते हैं, अच्छे अच्छे फूल आते हैं और दवाई का काम भी करता है ये। दादाजी ला रखे हैं इसको जंगल से। तो भाई लोगों, इसका नाम तो मेरे को अभी पता है नहीं, लेकिन ये साल के पेड़ पे होता है और बहुत ही बढ़िया काम करता है जड़ी बूटी का। किसी की तबीयत खराब हो, अगर इसकी जड़ हम पीस कर उसका पानी पीते हैं तो हमारी तबीयत एकदम सही हो जाती है। और दादाजी घर ला रखे हैं क्योंकि दादाजी को तो पता है, पुराने आदमी है, उनको इन चीजों के बारे में पता है, हमें तो पता नहीं है। लेकिन जब दादाजी ला रखे हैं, दादाजी ने कहा कि एक मिनट रुको मेरे लिए, और बताया, मुझे भी बताया कि ये किस काम आता है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा लगता है जब बुजुर्ग लोग हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई लोगों, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए आ रखे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ इससे भी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।